नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीए सोलंकी और आप देख रहे हैं ऑल राउंडर बीएसएस। मैं पिछले कई दिनों से आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो कोचिंग है उसको बंद करके बैठा हूं। कारण यह है कि मुझे थोड़ा कई सारे काम है और मेरी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मेरे को अभी आपकी क्लासेस जो है वो बंद करनी थी, लेकिन आपका मैथ का जो कॉन्सेप्ट था वो लगभग पूरा हो चुका था। अब आपका जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिया गया है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैसे उसे डाउनलोड करना है वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर बीएसएस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर अक्टूबर 2018 से जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 और क्लास 9 की कोचिंग चल रही थी और अब सत्र 2020-21 के लिए भी हमारे यहां पर कोचिंग जारी रहेगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम इत्यादि पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आप हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सको और आपको सारी जानकारी मिल सके। तो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो उनका एडमिट कार्ड है वो कल ही जारी किया गया है। कई सारे लोगों ने उसको डाउनलोड कर दिया है लेकिन कईयों से हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं सारी जानकारी आपको फोन से डाउनलोड करके बताऊंगा, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास फोन ही हो पाता है, लैपटॉप या कंप्यूटर बहुत ही कम लोगों के पास हो पाता है, इसलिए मैं फोन से सारी जानकारी बताऊंगा कि फोन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू कर देते हैं। अब यहां पर मैं आपको जो भी बात होगी सब सिंपल तौर से बताऊंगा। देखिए, अगर आप सीधा वेबसाइट तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप गूगल से वहां पर जाना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको खोलना है गूगल क्रोम। वहां पर गए, गूगल पर लिखा ऑल राउंडर। देखिए, मैं ये कई लोग कहेंगे कि ये तू अपने खुद के फायदे के लिए कर रहा है, लेकिन मैं आपको सिंपली कई सारी चीजें आज बताने वाला हूं। देखिए, allrounderbss.online लिख दिया और वहां पर आपने इसको सर्च मार दिया। जैसे ही आप सर्च मारते हैं तो देखिए ये हमारी वेबसाइट है। अब देखिए, यहां पर आपको कई सारी चीजें मिलती है, मैं आपको बताता हूं, कई सारी जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग के वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर आए नवोदय विद्यालय, यहां पर आ गए, देन अब आपको यहां पर क्या करना है, हाउ टू अप्लाई, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कोचिंग वीडियोस, तो कोचिंग वीडियोस यहाँ पर करते हैं, देखिए 6th 9th सबकी यहाँ पर देखिए कोचिंग वीडियोस आ जाती है। एक तो आपको ये फायदा हो गया। अब आपके कट ऑफ कितनी रहेगी, तो यहाँ से भी आप देखिए, ये जवाहर नवोदय विद्यालय की कट ऑफ वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाती है। आंसर की कब आएगी, सब कुछ यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर भी मिल जाता है और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाता है। और इसके बाद एक यहाँ पर फायदा और कि मान लीजिए आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम फोन नंबर तो आपको दे नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे ये देखिए यहाँ पर एक फेसबुक सा एक ये बटन आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर, तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करते हो तो देखिए ये ऑलवेज शो कर दिया और देन आप ये देखिएगा, ये देखिए यहां से आपको अपना लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप यहां से लॉगिन करते हो तो आप हमसे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न, यहां से फोटो भी आप खींच के भेज सकते हो, यानी कि अगर मान लीजिए आपको कोई हमसे क्वेश्चन पूछना है, कोई आपकी ऐसी बुक है उसके अंदर फोटो है, तो आप वहां से भी सीधा फोटो खींच कर हमें यहां से भेज सकते हो, सिर्फ आपको फेसबुक से लॉगिन करना है। अब चलिए हम बात कर देते हैं सीधी, और एक लास्ट बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक एंड और भी कई सोशल साइट्स अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारे लिंक हमने दे दिए हैं, तो आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और यहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालकर सबमिट कर दीजिए ताकि जो कोई भी हमारे यहां पर पोस्ट आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी और आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए, मैं आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो बताता हूं। आपको क्या करना है कि हाल फिलहाल देखिए, आपको यहां पर करना है नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय पर टिक करते ही यहां पर देखिएगा, यहां पर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, और मैं जल्द से जल्द इसके नीचे एक और ऑप्शन जोड़ने वाला हूं एडमिट कार्ड का, तो आप वहां पर भी टिक कर सकते हैं। हाल फिलहाल आपको करना है अप्लाई ऑनलाइन पर, चलिए मैं कर देता हूं अप्लाई ऑनलाइन। जैसे किया, थोड़ा आइए नीचे, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है 6th, यहां पर आप 6th वाले पे टिक कर दीजिए। जैसे ही आप 6th वाले पे टिक कर देते हो,
तो टेक करते देखिए, ये यहाँ पर ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है वो खुल जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट खुलते ही देखिए यहाँ पर आपको डालना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। अब वो कौन सा था, जैसे देखिए मैं एक बच्चे का डाल रहा हूँ यहाँ पर, माफ कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये सारी जानकारी आपको फोन से बताई है, क्योंकि मुझे मालूम है, क्यों मोस्टली लोगों के पास फोन ही हो पाता है, इसीलिए मैं ये मोबाइल से बना रहा हूँ वीडियो, वरना मैं इसको लैपटॉप से बनाता, लेकिन फिर कई लोगों को दिक्कत आती है कि लैपटॉप से बताया है लेकिन हमारे पास लैपटॉप नहीं है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें फ़ोन से भी पॉसिबल हो जाती है। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने अपनी वेबसाइट को देखी, आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर दीजिए और हमारे फेसबुक का पेज है उसको फॉलो कर दीजिए, यानी कि जितने भी सोशल साइट्स पे आप हमें फॉलो करोगे तो आपके लिए ही फायदा है, आपको जो भी जानकारी होगी वो सबसे पहले पहुंच जाएगी आप तक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड है ये रहा लिखा हुआ, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे ही आप एडमिट कार्ड पर टिक करते हो तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक तो हिंदी के लिए या फिर एक जो कोई भी अगर आपके कोई अगर लैंग्वेज है कोई तीसरी, तो वो आपके सामने आ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं हिंदी में करता हूँ, हिंदी में करके मैं यहाँ से प्रिंट एडमिट कार्ड पे टिक कर देता हूँ। अब ये आर यू श्योर पर हमें ओके कर देना है, देन मैंने ओके कर दिया और अब देखिए मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको खोलता हूँ, ये देखिए तो एडमिट कार्ड खुल चुका है, और मैंने जो आपको बताया था कि 6 अप्रैल को आपका एग्जाम है, डेट्स वाई कि आपका एग्जाम 6 अप्रैल को ही है 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। अब अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर नीचे एक मैसेंजर का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर जाकर आप अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन कीजिए और कोई भी फोटो भेजकर अगर कोई क्वेश्चन पूछना है लिखकर भेजना है तो आपको जल्द से जल्द उसका जवाब मिल जाएगा। और एक बात आप ये भी कीजिएगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी वो क्वेश्चन लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फेसबुक वाला है वो कोई और बंदा काम करता है, और ये जो वीडियोज के नीचे जो कमेंट्स आती है उनका जो आंसर होता है वो भी हमारी ओर से, हमारे कई सारे बंदे बैठे हैं वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप कहीं से भी यानी कि फेसबुक से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी सोशल साइट्स के लिंक मैंने वीडियो के नीचे भी दिए हैं, हमारे वेबसाइट्स पर भी है, और अगर किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो जरूर हमसे पूछिएगा। और तो फिर ये थी सारी प्रोसेसिंग मैंने आपको बता दी, और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि आप हमें फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलेगा, जोर नवोदय विद्यालय की जो आपकी आगे की कोचिंग है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं जितने भी हैं, जो कुछ भी बचा हुआ है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। 6 अप्रैल तक को आपका एग्जाम है और अभी तक 6 मार्च भी नहीं हुआ है, मतलब कि अभी हमें 1 महीना बाकी है, और 1 महीने में मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट भी पूरा हो और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व हो, और अगर आपको कोई पूर्ण हो या फिर आपके बुक में कोई फोटो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मालूम नहीं पड़ रहा है या फिर उसका आंसर आपको मिल नहीं रहा है, तो उसका फोटो खींच कर भी आप हमें इंस्टाग्राम या फिर हमारी जो वेबसाइट है वहां पर मैंने आपको अभी बताया, वहां से भी आप हमें भेज सकते हैं, उनकी बारे में सारी जानकारी मैं एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। ओके दोस्तों, ऑल राउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल की ओर से मैं बीएस सोलंकी आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, मिलते हैं आपसे हमारे किसी ऐसी ही खास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।